प्यारे बच्चों, आपने अभी वैदिक गणित के तरीकों से गुणा करने के कुछ ढंग देखे हैं। आपने देखा है कितनी आसान विधि से हम गुणा कर पाते हैं। आज हम आपको एक और नई विधि के बारे में बता रहे हैं। इस विधि का नाम है निखिलम विधि। तो निखिलम विधि से हम गुणा कैसे करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें हमें इसमें नए ढंग से समझनी पड़ेंगी। निखिलम विधि से गुणा करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि जो संख्याएं हैं उनके आधार क्या हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी 10 × 12, तो आप देख रहे हैं ये दोनों संख्याएं 10 के नज़दीक हैं। ये तो 10 और 2 का योग है और ये 10 है। तो एक और हम उदाहरण ने मान लीजिए हमने एक संख्या ली 14 और दूसरी संख्या ली 13, तो आप देख रहे हैं कि जो 14 है वो 10^4 है और वैसे ही 13 जो है वो 10^3 है। तो इन दोनों संख्याओं के लिए आधार हम 10 को मानते हैं। तो यदि किसी संख्या का आधार 10 या उसकी कोई घात हो, जैसे 100 या 1000 हो, तो ऐसी दो संख्याओं के गुणा करने के लिए हम निखिलम विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय हमें एक और नए शब्द के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसे हम विचलन कहते हैं। पहले हमने आधार की बात की, आप इसका ध्यान रखिएगा, आधार, और दूसरा शब्द है विचलन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संख्या 14 के लिए हम 10 को आधार मानेंगे और 14 के लिए आधार 10 है, और विचलन जो है वो बताता है कि वो संख्या 10 से कितनी आगे या पीछे है। तो यहाँ पर हम 14 के लिए कहेंगे कि उसका विचलन 4 है। उसी तरह से 13 के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 13 का आधार 10 है और उसका विचलन 3 है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये 14 के लिए है, और ये जो हम बात कर रहे हैं वो 13 के लिए। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। संख्या 13 के लिए आधार 10 है और विचलन 3 है। संख्या 14 के लिए आधार 10 है और विचलन 4 है। अब आप संख्या 8 के बारे में क्या सोचते हैं? आप देख रहे हैं कि संख्या 8 10 के पास ही है। यदि हम 10 में 2 घटा दें तो हमें 8 मिलता है। तो 8 के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसका आधार 10 है और विचलन -2 है। संख्या 8 के लिए हम कहेंगे आधार, संख्या 8 के लिए हम कहेंगे आधार 10 है और विचलन -2 है। ये संख्या 8 के लिए, अब इन दोनों को मिलाएंगे, देखिए 8 मिलता है। तो ये दो शब्द हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी संख्या का आधार क्या है और उसका विचलन क्या है। ये चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं तब हम उस पर काम करते हैं आगे। अभी आपने 2-3 संख्याओं के बारे में देखा कि उनका आधार और विचलन क्या है। हम कुछ और संख्याएं लें, जैसे हमने लिया 106, 107 और मान लीजिए तीसरी संख्या 98 है। आप देख रहे हैं ये तीनों संख्या 100 के आसपास की हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये 100 और 6 का योग है, और ये वाली संख्या 100 और 7 का योग है, और ये संख्या 100 और 2 का अंतर है। तो इन तीनों उदाहरणों में देखते हैं कि तीनों संख्याएं 100 के पास हैं, तो हम कहेंगे इन तीनों संख्याओं के लिए आधार एक जैसे हैं और 100 हैं वो। इन तीनों संख्याओं के लिए आधार 100 है और विचलन इनके अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं 106 के लिए विचलन 6 है। विचलन का मतलब वो संख्या 100 से कितनी अलग है, कितनी दूर है। वो दूरी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आप 106 के लिए कह सकते हैं इनका आधार 100 है और विचलन 6 है। ठीक इसी तरह से आप संख्या 107 के लिए कह सकते हैं कि संख्या 107 का आधार 100 है और विचलन 7 है, आप इसे -7 भी कह सकते हैं। 98 के लिए संख्या का आधार तो 100 है लेकिन विचलन ऋणात्मक है, यहाँ पर विचलन हम कहेंगे -2 है। तो आपने पहचान लिया कि हम किसी संख्या के लिए आधार और विचलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये जो आधार और विचलन है वो 1000 के आसपास भी हो सकते हैं। मान लीजिए 1020 एक संख्या है, 1007 दूसरी संख्या है,
और 995 एक संख्या है। आप देख रहे हैं तीनों संख्याएं 1000 के पास हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों संख्याओं के लिए आधार आप 1000 को मानेंगे। यहाँ पर संख्या 1000 से 20 अधिक है, इसलिए आप इसका विचलन कहेंगे धन 20 है। ये वाली संख्या 1007 1000 से 7 अधिक है, जिसके लिए आप कह सकते हैं इनका विचलन धन 7 है। और ये तीसरी संख्या 995 1000 से छोटी है, तो आधार तो आप इसका 1000 ही मानेंगे, लेकिन इसका विचलन आप कहेंगे ऋण 5 है, क्योंकि 1000 में ऋण 5 को जोड़ने पर या 1000 में 5 घटाने पर आपको 995 मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग संख्याओं में आधार क्या हो सकते हैं और उनके विचलन क्या हो सकते हैं। अब निकलम विधि का उपयोग करने के लिए हम इन आधारों का और विचलन का उपयोग कैसे करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम उदाहरण 19 हल करने जा रहे हैं और इस उदाहरण में हम निकलम सूत्र का उपयोग करेंगे, निकलम विधि का गुणा का उपयोग करेंगे, और निकलम विधि के उपयोग से हम दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं इसको देखेंगे, इसको सीखेंगे। हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है वो है 12 × 14। एक बहुत आसान से प्रश्न से हम इस उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 14 है, तो निकलम सूत्र का उपयोग करते समय हम ऐसी संख्याओं को चुनते हैं जो किसी एक आधार के आसपास होती हैं। यहाँ पर आप देखिए जो 12 है वो 10 के पास की संख्या है और 14 भी 10 के पास की संख्या है। 12 10 से 2 अधिक है और 14 10 से 4 अधिक है, तो ऐसी स्थिति में हम 10 को उनका आधार कहते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के लिए हम कहेंगे कि इनका आधार 10 है, और 10 से जितना अलग है, जितनी दूर है ये, या इन संख्याओं का 10 से जो अंतर है उसे हम विचलन के नाम से जानते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखें संख्या या संख्याएं कौन कौन सी हैं और इनका विचलन क्या है। तो पहली वाली संख्या 12 है और 10 से ये 2 अधिक है, तो हम कहेंगे इसका विचलन धन 2 है। 12 का 10 से विचलन धन 2 है। ठीक इसी तरह से हम कहेंगे 14 का आधार 10 से विचलन धन 4 है। तो ये दो चीज़ें हमने देखी कि जो हमारे पास संख्याएं हैं 12 और 14, उनका आधार 10 है और 10 से इनका विचलन क्रमशः धन 2 और धन 4 है। गुणा हम जब करेंगे तब हमें इसके दो हिस्से मिलेंगे, दाहिने तरफ का हिस्सा और बाईं तरफ का हिस्सा। दाहिने हिस्से में जो आएगा वो गुणनफल की इकाई को प्रदर्शित करेगा और बाईं तरफ जो संख्या हमें मिलेगी वो दहाई, सैकड़ा या उसके बाद के संख्याओं को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम दाहिने तरफ के हिस्से को प्राप्त करने के लिए दोनों विचलनों का गुणा करते हैं, और यहाँ पर हम यदि धन 2 और धन 4 का गुणा करेंगे तो हमको धन 8 मिलेगा, उसे हम यहाँ पर लिखें। ये जो 8 है वो गुणनफल की इकाई को प्रदर्शित कर रहा है, जो केवल 8 है। एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आधार में जितने शून्य होते हैं केवल उतनी ही संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। यदि आधार 100 होता तो यहाँ पर हम दो संख्याएं लिखते, इकाई और दहाई। यदि आधार 1000 होता तो यहाँ पर हम तीन संख्याएं लिखते, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास 10 में केवल एक ही संख्या है शून्य की, इसलिए हम यहाँ पर केवल इकाई लिखेंगे। तो ये हमें दाहिने तरफ का हिस्सा या केवल इकाई हमको जो मिली वो 2 और 4 के गुणनफल से मिली, जो 8 है। अब बाईं तरफ के बारे में सोचिए, बाईं तरफ एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या 14 है, तो बाएं तरफ का जो हमारा उत्तर का हल है, हिस्सा है, उसे प्राप्त करने के लिए हम किसी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ते हैं। अगर हम पहली संख्या 12 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या धन 4 होगी और इनका योगफल हमें मिलेगा 12 × 4 = 16। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम दूसरी वाली संख्या लें और उसे पहले वाले विचलन को जोड़ें। यदि आप दूसरी संख्या लेते हैं तो ये 14 है और उसे पहली संख्या के विचलन यानी 2 को आप जोड़ेंगे, तब भी आपको वही परिणाम मिलेगा जो पहले मिला था। एक दूसरा तरीका और भी है, यदि आप आधार का इस्तेमाल करें तो आधार में आप दोनों विचलनों को जोड़िए। आधार 10, पहली वाली संख्या के विचलन धन 2, दूसरी वाली संख्या के विचलन धन 4, तो ये हुआ 10 × 2 = 4। ऐसा करने पर भी आपको 16 मिलता है। तो इन तीन तरीकों के इस्तेमाल करके आप गुणनफल के बाएं हाथ की संख्या प्राप्त करते हैं और यहाँ पर आपको मिल रहा है 16। तो आपकी जो कुल संख्या हुई गुणनफल की 168।
तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो संख्या है 12 और 14, उनका गुणा करने पर आपको मिलेगा 168। तो ये निकलम सूत्र का उपयोग करके हमने दो संख्याओं का गुणा किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने सबसे पहले आधार को चुना और उन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जिनके आधार एक जैसे ही हैं। और पूरी प्रक्रिया को आप एक बार फिर से देख लें, दोनों संख्याएं आपने लिखी और आधार से उनका विचलन लिखा और फिर दोनों विचलनों का गुणा करके आपने गुणनफल की इकाई को प्राप्त किया और दहाई और सैकड़ा प्राप्त करने के लिए किसी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ा और जो परिणाम आपको मिला उसे आप बाईं तरफ लिख रहे हैं जो दहाई और सैकड़े को बताएगा। और इस तरह से कुल जो संख्या मिली आपको इस उदाहरण के लिए 168 मिली, जो 12 और 14 के गुणनफल को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का, इस तरीके का आप एक दो बार अभ्यास करिए और इस तरीके से नई संख्याएं लेकर भी आप गुणा करके देखिए, आप देखेंगे बहुत आसानी से ये गुणा आप कर सकते हैं।